अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्लेवरफुल किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन चंगेजी। बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने ली है चिकन 1 किलो। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टेबल स्पून चाट मसाला। इन सब को शामिल करने के बाद हम शामिल कर रहे हैं कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च और जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। और आप अपने जितना आप खट्टा पसंद करते हैं वैसे आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 लेमन यूज़ किए हैं। ये बहुत ही आसान सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। मैं इसको हाथ से मैरिनेट करना प्रेफर करती हूँ ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए, सारे मसाले चिकन के अंदर अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी होती है, इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार होती है। इसको हम मैरिनेट करके 1/2 आवर के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 1/2 आवर के बाद हम इसको हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप मोस्टली इसे चिकन चंगेजी को रेस्टोरेंट्स में जाके ऑर्डर करते हैं, जबकि ये बहुत ही आसान सी रेसिपी और घर पर ईजीली फ्राई बन जाती है। हमारे चिकन को 1/2 आवर हो चुका है। हमने अपना ऑयल गरम किया और 1 साइड से चिकन को 8 to 10 मिनट्स हम यानी कि 3/4 को कुक कर लेंगे। और एक के ऊपर एक चिकन ना आए, ज़्यादा क्राउडेड नहीं करना है। स्पेस देके इसको अच्छे से हम इसको पका लेंगे, कुक कर लेंगे 8 to 10 मिनट्स ईच साइड। इसको फ्लिप करते हुए हम इसको पका लेंगे। इसको पकाने के बाद हम अपना मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए हमें चाहिए होंगे 400 ग्राम ऑफ ऑनियन एंड 400 ग्राम ऑफ टमाटोज। इक्वल क्वांटिटी में हमें यूज़ करना है। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है, आपके बच्चे हैं घर में, तो आप टमाटर की मकदार बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 400 ग्राम यूज़ किया। 500 ग्राम यानी कि आधा किलो यूज़ कर सकते हैं। हमारी चिकन फ्राई होकर तैयार हो चुकी है, इस पर बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हमने लिया है थोड़ा सा घी और इसमें हम प्याज अपनी फ्राई करेंगे। अच्छा, ये एक मेन पॉइंट है, यहाँ पे हम प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन, उसको डार्क नहीं कर लेना है। हमारी थोड़ी सी प्याज क्रीमी सी होने लग जाएगी जब हम उसमें टमाटर शामिल करेंगे। कुछ लोग फ़ौरन प्याज डालते ही फ़ौरन टमाटर डाल देते हैं और कहते हैं हमारे वो टेस्ट नहीं आ रहा। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। आपने प्याज हल्की सी फ्राई की, उसके बाद आपने टमाटर डाले, उसके बाद हमने उसमें नमक डाला ताकि वो जल्दी से गल जाए। गलने के बाद हम उसको बगैर पानी के पीस लेंगे। हमने यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून ऑफ बटर एंड 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। उसमें हम शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून बड़े भर के ही फुल जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून ऑफ चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी एंड 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। इसमें सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अपना मसाला भूनेंगे और जो हमने ग्रेवी प्रिपेयर की है प्याज और टमाटर का जो पेस्ट है, इसका थोड़ा सा मसाला भूनने के बाद हम वो पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। देख सकते हैं कैसे ऑयल सेपरेट हो गया है। जो अभी मसाले डाले हैं वो भुन चुके हैं, तो हम अपने जो ग्रेवी हमने बनाई हुई थी, पेस्ट बनाया हुआ था, वो इसमें शामिल कर देंगे। इसको अगेन हम भूनेंगे तब तक के इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। ये आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हमारी रेसिपी फॉलो करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमें बताएं कि आप हमें किस शहर किस मुल्क से देख रहे हैं, ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो सके। हमने यहाँ पे इसका ऑयल सेपरेट हो गया था, इसके बाद हमने शामिल किया है 1/2 कप दही जिसको हमने अच्छे से पेट लिया था। इसको हम शामिल कर देंगे और इसको फिर ऑयल सेपरेट होने तक पकाएंगे। ऑयल सेपरेट होने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून आप कसूरी मेथी जिसको आप हाथ से ही क्रश कर लें वो शामिल करें, और उसके बाद जो हमारी कुक चिकन है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे से एक मिक्स दें ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़े से चिकन के साथ में यकजा हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप ऑफ वाटर ताकि थोड़ी सी हमारी ग्रेवी पतली हो जाए। इसको शामिल करने के बाद हम इसको 5 to 8 मिनट्स ढक के हल्की आंच पे पकाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यम सी हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। मैंने यहाँ पे गार्निशिंग के लिए, क्योंकि ज़्यादा कुरकुरी अच्छी भी नहीं लगती, गार्निशिंग के लिए मैंने हरी मिर्च डाली है। 5 to 10 मिनट्स उसको हल्की आंच पे पकाया है और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ईजी रेसिपी है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसका फ्लेवर आता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए और
कमेंट्स करते रहा करें, इस तरह हमारी हौसला अफजाई होती है, पता चलता रहता है कि हाँ हमारी मेहनत रंग ला रही है। इसको तैयार होने के बाद हम इसमें इसके जायकों को बढ़ाने के लिए खुशबू के लिए, वैसे ही इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब है, लेकिन हमने यहाँ पे शामिल किया है हाफ़ टी स्पून ऑफ गर्म मसाला पाउडर। और इसको शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट हमने इसको पकाया और हमारी डिश रेडी है, रेडी टू सर्व। फी अमानिल्लाह।